हेलो दोस्तों, हेलो माय व्यूअर्स, आई एम सुरेश सिंह गहलोत, गुरुकुल एकेडमी फ्रॉम झाबुआ। गुरुकुल एकेडमी झाबुआ की झाबुआ ज़िले की एकमात्र ऐसी एकेडमी है जहां पर विद्यार्थी हर साल अच्छा से अच्छा प्रतिशत प्राप्त करते हैं। आपको मैं पिछले 2 सालों के विद्यार्थियों का परिचय कराने जा रहा हूँ जिन्होंने अच्छा से अच्छा प्रतिशत प्राप्त किया है। ये 2017 के विद्यार्थी है जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रतिशत क्या प्राप्त किया है। सभी विद्यार्थी 10वीं क्लास के विद्यार्थी है। ये अश्विन माचार जिन्होंने 90% प्राप्त किया है। साक्षी माचार 88.83%, मनीष डामोर 88%, कैलाश जमरा 87%, पूजा ताहिर 82%, योगिता जमरा 86.6%, शीतल चौहान जो कि कक्षा 12वीं की है 82% प्राप्त किया था इन्होंने। साइंस सब्जेक्ट है इनका सपना भूरिया, इन्होंने भी 80% प्राप्त किया। ये दोनों ही विद्यार्थी कक्षा 12वीं के हैं और इन्होंने अच्छा प्रतिशत प्राप्त किया और साइंस के विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी विद्यार्थी हैं जिनका फोटो यहाँ पर नहीं दिया गया है जिन्होंने अच्छा प्रतिशत प्राप्त किया है। हरिओम भूरिया 89.66%, अंशुल अग्रवाल 85.6%, दिव्या डामोर 83%, आरती नलवाया 82%, विजय राठौर 82%। इसी प्रकार से ये सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने गुरुकुल एकेडमी में अच्छा प्रतिशत प्राप्त किया है। ये सभी विद्यार्थी 2017 के विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से आपका अपने परिचय कराने जा रहा हूँ 2018 के विद्यार्थी जिन्होंने अच्छा से अच्छा प्रतिशत प्राप्त किया है। राबिका नलवाया 91.6%, नरेंद्र प्रजापत 90.4%, कविता भूरिया 90%, हरिता अटीला 89.4%, भूमिका वर्मा 82%, उमेश परमार 88%, अजय कनेरिया 80.4%, मनोज मेड़ा 88.2%, तनिष्का गहलोत 87%, लविनी मावी 85.8%, भारत सिंह डिंडोर 82.4%, बंटी गामोड 82.2%, अनुराग अम्बलियार 82.2%, विकास भूरिया 79%, अंजलि नैयर 80%। इस प्रकार से इस कोचिंग के अंदर हर साल अच्छे विद्यार्थी अच्छा प्रतिशत प्राप्त करते हैं। आप मेरी भी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखेगा, सभी वीडियो को देखेगा, आप भी इसी प्रकार से अच्छा प्रतिशत आप प्राप्त कर सकते हैं। आज आपको बताने जा रहा हूँ गणित के मोस्ट एमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं। ये इन सवालों को हल करने बाद भी आप अच्छा प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आईपी क्वेश्चन है और ये ब्लू प्रिंट के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप गणित को ले लीजिए, आपके पास एक गणित को रखिए और मैं जो टिक रखा रहा हूँ उस टिक को आप अच्छी तरह से लगाना है। जैसे कि कोर्स बदल चुका है, इस बार 2019 के अंदर एनसीईआरटी से कोर्स पूछा जाएगा और सिलेबस ब्लू प्रिंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं इस चैप्टर में टोटल मैथ्स के अंदर 15 चैप्टर है। आपको ब्लू प्रिंट के आधार पर ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। आईपी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन ब्लू प्रिंट के आधार पर ही सिलेक्ट किए हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न वाली है वास्तविक संख्या है, इसमें अंक विभाजन भी आपको समझा रहा हूँ। एक अंक का प्रश्न आएगा, 2 अंक के प्रश्न आएंगे और 4 अंक आएगा। 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार इस यूनिट में से वास्तविक संख्या में से प्रश्न कुल अंक 7 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक विभाजन का विशेष ध्यान रखना, ये आपको ब्लू प्रिंट के आधार पर ही आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस वास्तविक संख्या में से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। 1.1 में से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन है, प्रश्न पहला प्रश्न है, प्रश्न चौथा और पांचवा, पहला चौथा और पांचवा, ये तीनों ही आईएमपी क्वेश्चन है 1.1 में से। उदाहरण नंबर सात भी बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। इस प्रकार से 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, इन प्रश्नों में आपको एससीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसमें भी एससीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस यूनिट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यूनिट के सिलेबस के अनुसार ही देखना। इस यूनिट में जगह एक प्रश्न जो रहेगा
एक प्रश्न आएगा दो नंबर का आएगा, तो दो नंबर का प्रश्न इन इन में से कोई सा भी एक आ सकता है, और एक प्रश्न आएगा वो चार अंक का आएगा। अब आपको बता चार अंक का, तो चार अंक का प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो इसमें से तीस चौथा है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से 1-3 के अंदर प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी में उदाहरण नंबर 9 आपको उदाहरण नंबर भी अच्छी तरह से सॉल्व करना है। 1-4, 1-4 के अंदर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे हम लगा दिए हैं हम भी क्वेश्चन। इसके बाद जो अगली प्रश्न वाली है बहुपद, बहुपद में जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार से अंक विभाजन है, इसमें एक प्रश्न आ जाए, एक अंक के प्रश्न आएंगे, दो आएंगे, और जो एक अंक आएगा, एक प्रश्न आएगा वो चार अंक आएगा। मतलब इस यूनिट में से जो दो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक अंक का होगा और एक प्रश्न पूछा जाएगा वो चार अंक का होगा। टोटल अंकों की संख्या 5 नंबर की होगी, मतलब बहुपद में से 5 अंक का सवाल पूछा जाएगा, और एक अंक के आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब जो दो अंक का पूछा जा सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव 4 अंक का जब प्रश्न पूछा जा सकता है वो 2.3 है। 2.3 में से क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, आप ये तीनों को क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना, और उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 ये दोनों ही एमपी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इस यूनिट में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो मोस्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, अवश्य पूछा जा सकता है। ये यूनिट आपको दो के बता दिए। अब प्रश्न वाली 3 के बताने जा रहा हूँ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है, इसमें जो पूछा जाएगा दो जो प्रश्न लेंगे दो दो प्रश्न पूछेंगे वो एक अंक का आएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा वो 4 अंक का आएगा। टोटल इस यूनिट में से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब एक प्रश्न 4 अंक का और दो प्रश्न 1 अंक का, मतलब जो 1 अंक आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अंक विभाजन का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसमें 3.1, 3.1 में से प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा ये ग्राफ वाले सवाल है, इनमें से कोई एक आ सकता है। 3.2 आप रहने दीजिए, इसमें से नहीं लग रहा आने की कुछ संभावना से नहीं बनती है। 3.3, 3.3 ऐसे प्रश्न वाली, इसमें से एक प्रश्न जरूर आ सकता है। इसमें जो प्रश्न दिया है युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसके आप सभी सवाल को हल करके देख लेना। और प्रश्न नंबर दूसरा ये तो वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरे के जो दिए हुए हैं इसके टोटल 6 प्रश्न दिए हुए हैं, और 6 ही प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल करना। और 6 प्रश्न में से प्रश्न पहला और दूसरा ये और 6ठा प्रश्न ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। डबल डबल क्लिक कर रहा हूँ मतलब आप समझ लेना, डबल राइट कर रहा हूँ मतलब ये ज़्यादा ही मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इस प्रश्न वाली 3.4 में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है दूसरे का प्रश्न नंबर दूसरा और दूसरे का प्रश्न नंबर 4ठा प्रश्न। तीन पॉइंट पाँच में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 3.5 में से दूसरे का प्रश्न नंबर जो प्रश्न नंबर है दूसरा ये भी बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, और चौथे का प्रश्न नंबर 4ठा। उदाहरण नंबर 19, 3.6 में दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न है, ये इसी 3 अध्याय के एमपी क्वेश्चन आपको मैंने बताए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण, प्रश्न वाली 4, इसमें जो अंक विभाजन सबसे पहले बताता हूँ कि अंक विभाजन क्या आएगा। इसमें प्रश्न जो दो प्रश्न आएंगे वो 1 अंक के आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, और एक प्रश्न आएगा वो 6-4 अंक का आएगा। इस प्रश्न वाली में टोटल 6 अंक का पूछा जाएगा। आप बिल्कुल तैयारी करें, ब्लू प्रिंट के अनुसार ही तैयारी करना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे 4.1 में कोई प्रश्न नहीं आ सकता क्योंकि सब छोटे प्रश्न है, 2 नंबर का नहीं आ रहा। इसमें एक ही प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का आएगा, इसलिए 4.1 आप छोड़ सकते हैं, 4.1 में नहीं है। 4.2, 4.2 में क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर 4ठा।
इसके बाद प्रश्न वाली 4.3 में से क्वेश्चन नंबर फोर, 7, 8 और 10, इसमें से क्वेश्चन नंबर 8वां और 10वां ये दोनों ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके बाद 4.4 में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। डबल राइट कर रहा हूँ, मतलब आप समझ जाना ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके बाद अगली जो प्रश्न वाली है समांतर श्रेणियाँ का फिर अंक विभाजन आपको बता देता हूँ मैं। प्रश्न दो प्रश्न आएंगे जो कि एक अंक के होंगे और एक प्रश्न आएगा वो 5 अंक का होगा। टोटल इस प्रश्न में से कुल अंक 7 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा। एक अंक के जो भी प्रश्न आएंगे सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 5 अंक का एक बड़ा प्रश्न आएगा परीक्षा में इसमें। पाँच पॉइंट एक में से आने की संभावना नहीं है क्योंकि इस प्रश्न इस यूनिट में से 5 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा और 5.1 में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो 5 नंबर का पूछा जा सकता है। 5.2 प्रश्न वाली 5 अध्याय 5.2 और 5.3 तक में है। आपको 5.2 के जो क्वेश्चन है इस यूनिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 17 और क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ये तीनों ही मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद 5.3 में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये तीनों ही आईएमपी क्वेश्चन है। 5.4 अच्छी प्रश्न वाली छोड़ सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं एग्जाम में आएगा। अब प्रश्न वाली त्रिभुज प्रश्न वाली 6, इस अंक में जो पूछा जाएगा वो एक प्रश्न आएगा वो 1 अंक आएगा और एक प्रश्न आएगा वो 4 अंक आएगा। इस त्रिभुज में से प्रश्न वाली 6 में से 5 अंक का पूछा जाएगा। सबसे पहले इस प्रश्न वाली में एक प्रमेय निश्चित रूप से आएगी, यह है प्रश्न वाली पेज नंबर, ध्यान रखना पेज नंबर है इसका 137, पेज नंबर 137 पे प्रमेय 6.1 है, यह थेल्स प्रमेय है। यह थेल्स प्रमेय निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर आएगी, से श्योर आना है। इस प्रमेय को अच्छी तरह से करना, इसका आप कथन भी याद करना। इनमें से कुछ प्रश्न नहीं आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा मैं। सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर है और क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 6.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड और प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय है। प्रमेय 6.8 है, ये मोस्ट ही आईएमपी क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, पाइथागोरस प्रमेय है। और निश्चित रूप से 20 मिनट में से 6 अध्याय में से 2 प्रमेय आने की पूरी संभावना है, एक थेल्स प्रमेय और एक पाइथागोरस प्रमेय। इन दोनों में से प्रमेय निश्चित आ सकती है। यदि आप ये दोनों प्रमेय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रश्न में जो अंक विभाजन के अनुसार इसमें जो आएगा अंक विभाजन, एक प्रश्न जो 4 अंक का आएगा, यदि आप 2 प्रमेय कर लेते हैं थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, तो निश्चित रूप से एक प्रश्न तो आना ही है, मतलब 4 नंबर का क्लियर हो जाएगा। अब अगर 2 प्रमेय करते हो तो सारी प्रश्न वाले को आप छोड़ सकते हो। इसके बाद उदाहरण नंबर 11, 6.5 में जो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15,
और 14, 14 और 15। इसके बाद अगली प्रश्न वाली निर्देशांक ज्यामिति प्रश्न वाली 7। इसमें जो सबसे पहले अंक विभाजन आपको समझा था, अंक विभाजन क्या रहेगा, इसमें से प्रश्न एक जो प्रश्न आएगा वो एक अंक आएगा, एक प्रश्न आएगा वो दो अंक का आएगा और एक प्रश्न आएगा वो तीन अंक का आएगा। इस प्रकार से इस यूनिट में से 7 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा निर्देशांक ज्यामिति में से। 7.1, 7.1 का प्रश्न नंबर पहला, तीसरा और चौथा, इसमें से तीसरा और चौथा वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी डबल राइट कर सकते हैं, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न वाली 7.2, 7.2 में से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा। और इसी यूनिट में से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके बाद अगली प्रश्न वाली है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले आपको मैं इसका अंक विभाजन बताता हूँ, इसका अंक विभाजन क्या रहेगा। प्रश्न जो आएगा इसमें 5 अंक विभाजन, जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो एक अंक के आएंगे और एक प्रश्न आएगा वो 3 अंक का आएगा और एक प्रश्न आएगा वो 5 अंक का आएगा। इस यूनिट में से 5 नंबर की एक जोड़ी पूछी जाती है और एक प्रश्न 3 अंक का, एक प्रश्न 5 अंक का। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के परिचय में से कुल 13 अंक के परीक्षा में पूछे जाएंगे। आठ पॉइंट एक का जो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर पांचवा और क्वेश्चन नंबर सातवां और दसवां, आप तीसरा चौथा पांचवा इन तीनों में से भी कोई भी एक प्रश्न अवश्य आ सकता हो, क्वेश्चन नंबर पहला भी। इसके बाद प्रश्न वाली आठ पॉइंट दो, 8.2 में से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे के आने की संभावना है। 8.3, इस प्रश्न वाली में से जो एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, वो प्रश्न इनमें से भी हो सकता है। 8.3 का प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये चारों ही प्रश्न आप हल करके अवश्य देखना। इसके बाद प्रश्न वाली 8.4 में क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, और 8.4 में से क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, पांचवे में से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर छठा तो आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसके आने की पूरी संभावना है, और क्वेश्चन नंबर नौवा, ये जो वही प्रश्न है इसमें सरल समीकरण आपको सिद्ध करना है। आपको मैंने ये टोटल 10 प्लस 10 दिए, मैं 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न बताएं, 10 में से 5 क्वेश्चन पूरी संभावना है जो कि 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा और इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न अवश्य आ सकता है। इसके बाद इस प्रश्न वाली में से कुछ सरल समीकरण भी सिद्ध करने के लिए आ सकती है। वो सरल समीकरण है, पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमी का बहुत ही मोस्ट टाइम पी सर्वसमी का ये एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। इसके बाद है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्न वाली 9। इसके पहले आपको मैं अंक विभाजन बताता हूँ, अंक विभाजन का विशेष ध्यान रखना। इसमें एक प्रश्न आएगा जो एक अंक का आएगा और एक प्रश्न आएगा वो 4 अंक का आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न वाली त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से 5 अंक का परीक्षा में पूछा जाएगा। बट एक बड़ा प्रश्न आएगा इसमें जो 4 अंक का रहेगा, उदाहरण नंबर 1, नाइन पॉइंट वन में से प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें से पहला और दूसरा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा,
क्वेश्चन नंबर आठवां, आठवां भी डबल राइट कर सकते हो, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां और क्वेश्चन नंबर पंद्रह और सोलह, इस प्रकार से इस यूनिट के ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अब प्रश्न वाली दस प्रत, सबसे पहले इसका अंक विभाजन समझ लिया। अंक विभाजन क्या है इसका, इसमें से दो प्रश्न आएंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे, वो एक नंबर परीक्षा पूछा जाएगा और एक प्रश्न आएगा वो तीन अंक का आएगा। इस प्रकार से इस यूनिट में से पांच अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस यूनिट में से 10.2, 10.2 बहुत ही मोस्ट एमपी थ्योरम है। इनमें यह थ्योरम तो निश्चित एग्जाम में आने की संभावना है। पेज नंबर 233 में दी हुई है थ्योरम। इसके बाद उदाहरण नंबर तीन और उदाहरण नंबर दो। 10.2, 10.2 में से क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन दोनों ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न वाली 11 रचनाएं, इसमें अंक विभाजन आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसमें एक भी प्रश्न आएगा जो कि पांच अंक का आएगा, एक प्रश्न आएगा इसमें वस्तुनिष्ठ कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। मतलब ये प्रश्न एकमात्र ऐसे प्रश्न है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जहाँ भी रचनाएं हैं आपको रचनाएं करना, कंस्ट्रक्शन करना है। 11.1 ये प्रश्न वाली दो भागों में बटी हुई है, 11.1 और 11.2। इनमें से कोई भी है, या तो 11.1 करो या 11.2, दोनों एक दूसरे के अथवा में सवाल पूछे जाते हैं। तो 11.1 के जो सवाल है उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन पांचों प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करें। इनमें से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आ सकता है। और 11.2 का क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला और दूसरा, ये दो ही क्वेश्चन एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगली प्रश्न वाली है वो है प्रश्न वाली 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको इसका मैं अंक विभाजन बता देता हूँ। इसका अंक विभाजन क्या रहेगा, प्रश्न दो प्रश्न आएंगे जो कि एक अंक के आएंगे, एक प्रश्न आएगा वो तीन अंक का आएगा और एक प्रश्न आएगा वो चार अंक का आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न वाली में से नौ अंक के परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो दो अंक जो दो प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो एक एक नंबर के होंगे। इस यूनिट में से 12.1 का प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा, ये आपका प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, 12.2 में से क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा डबल राइट कर सकते हो, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां और यहां से प्रश्न नंबर दसवां, ग्यारहवां, बारहवां और प्रश्न नंबर तेरहवां, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 12.2 में से क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरा भी आ सकता है और क्वेश्चन नंबर आठवें को भी डबल राइट कर सकते हैं। इन दोनों की अच्छी पूरी संभावना है आने की। 12.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला, दूसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा, ये तीन प्रश्न है, एमपी क्वेश्चन है इसमें यूनिट के। इसके बाद प्रश्न वाली 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले आपको इसका अंक विभाजन बता देता हूँ। अंक विभाजन क्या रहेगा, एक प्रश्न आएगा जो एक अंक का आएगा और एक प्रश्न आएगा वो पांच अंक का आएगा। एक अंक के जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाएंगे। 13.1 में जो क्वेश्चन आ सकता है, पहला, दूसरा, प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें से पहला और तीसरा पे आप डबल राइट कर सकते हैं और प्रश्न नंबर छठा। तेरह पॉइंट दो का एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला ही है। इनमें से क्वेश्चन नंबर पहला और
तीसरा, बाकी की तो संभावना नहीं लग रही, यानी कि इस प्रकार से कोई आ सकता है। और 13.3 में से क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा निश्चित रूप से आ सकता है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। और तीसरा और चौथा क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा, ये 13.3 के एमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार से प्रश्न वाली 13.4 में से क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला और तीसरा आप डबल राइट कर सकते हैं, इनमें से कोई से भी दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी की संभावना नहीं है। 13.5 भी अच्छी केस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आ सकता हो। इसके बाद जो अगली प्रश्न वाली है सांख्यिकी, प्रश्न वाली 14, सबसे पहले अंक विभाजन आपको पता है, तो अंक विभाजन क्या रहेगा। प्रश्न दो प्रश्न आएंगे जो एक अंक के आएंगे और एक प्रश्न आएगा वो 5 अंक आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न वाली में से 7 अंक का पूछा जाएगा। चौदह पॉइंट एक प्रश्न वाली ये माध्य है। इस प्रश्न वाली पूरी प्रश्न वाली के अंदर माध्य के सवाल है। इस प्रश्न वाली माध्य, माध्यिक और बहुलक तीन प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और तीनों में से एक टाइप के सवाल अवश्य आ सकते हैं। ये माध्य सवाल है, 14.1 के अंदर पूरे माध्य वाले सवाल है ये। इस यूनिट में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस यूनिट में ध्यान रखना आपको सवाल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सवाल में अंक बदल के भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको केवल विधि का अच्छी तरह से ध्यान रखना, इस सवाल के अंदर आपको रटना नहीं है, केवल विधि को समझना है। प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरा, क्वेश्चन नंबर पांचवा और क्वेश्चन नंबर आठवा, इस यूनिट के ये आईएमपी क्वेश्चन है। 14.2 में से क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, इस यूनिट में से जो बहुलक है, ये बहुलक वाले सवाल है, बहुलक के सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न वाली 14.3 में से क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा का डबल राइट कर सकते हैं, इनमें से ये आ सकता है बिल्कुल। इसके बाद प्रश्न वाली 14.4 में से प्रश्न दिए हुए पहला है, दूसरा है और तीसरा है, तीनों ही क्वेश्चन हल करना, ये तोरण वाले सवाल है, इस प्रकार से तोरण बनाने के लिए पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आखिरी प्रश्न वाली है वो प्रायिकता, प्रायिकता में से अंक विभाजन समझना। सबसे पहले आप इसमें से एक प्रश्न आएगा वो एक अंक आएगा और दो प्रश्न आएंगे वो दो अंक का आएंगे। इस प्रकार से इस यूनिट में से 5 नंबर का पूछा जाएगा, मतलब इस प्रश्न वाले में कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि 4 नंबर का और 5 नंबर का नहीं है, केवल दो प्रश्न आएंगे और दो अंक के होंगे। इस प्रश्न में उदाहरण का विशेष ध्यान रखना है, उदाहरण नंबर एक, उदाहरण नंबर दो, उदाहरण नंबर चार, उदाहरण के सवाल प्रायिकता में से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उदाहरण नंबर आठ, पंद्रह पॉइंट एक में से क्वेश्चन नंबर छठा, आठवा नौवा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दसवा, इसी प्रकार से इसमें प्रश्न नंबर 13वां, 14वां भी डबल राइट कर सकते हो, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 भी, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 24। इस प्रकार से इस यूनिट के ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको मैंने कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चन बता दिए। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सोल्व करना, आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सको, अच्छे से अच्छे नंबर परीक्षा में प्राप्त होंगे। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।